वेलकम टू आर चैनल एंड टूड टॉपिक इज पार्ट ऑफ स्पीच और पार्टस ऑफ स्पीच हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ना और प्रीवियस वीडियो वो आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपसे कहा था हम इनकी फर्दर काइंट्स भी देखेंगे क्योंकि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की तरफ आते हैं तो हम सिर्फ पार्टस ऑफ स्पीच को डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं ये है क्या दिस एन दैट लेकिन uh, जब आप इंग्लिश लर्न करें आप ग्रामर लर्न कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि फर्दर इनकी आगे टाइप्स इनकी काइंट ईच एंड एवरी थिंग के बारे में आपको पता हो तो हमने सीरीज स्टार्ट की है पार्टस ऑफ स्पीच की तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है नाउन नाउन की फर्दर आज हम डिटेल में देखेंगे इसकी काइंट्स क्या हैं और उनकी नेचर क्या है हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं एंड एंड दिस दैट आज हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि आज चैनल को अभी तक नहीं किया, तो इसको करें हमारी बनने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम और आप मिलकर आपके बच्चों के को बनाते रहे हैं। okay, करते हैं। आज का लेक्चर तो नाउन नाउन का हमें जगह को देखते हैं कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउनकाउंटेबल नाउन इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं है कि ये नाउन की काइंड में भी शामिल होता है लेकिन जब हम इनके बारे में देखेंगे तो ये आपने माइंड में रखना है बे, हम यूजुअली uh, बस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है वो बच्चों को सिखाते हैं और एज uh, आ Uh, जब वो हमारा, हम हमसे सीखते हैं या फिर हम उनको टीच करते हैं अबाउट ग्रामर रूल्स आर इंग्लिश लैंग्वेज तो हम सिर्फ इन दो नाउन uh, पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन आज हम यह सिक्स टाइप्स हैं इसके आगे अगर टाइम हुआ तो हम दो टाइप्स और हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन आज देखते हैं इनकी फ़र्दर डिटेल जो हमारे पास अथेंटिक सोर्स है उसमें से the noun and kinds of noun a noun is a word used as a name of person place or thing the word thing is used of to mean anything that we can think of look at the following sentence osaka was a wise king Yenny, uh, 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 ऐसी भी चीज़ें हैं ऐसे भी नाउन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं ठीक है तो वो भी हमारे लिए नाउन का नेम रखती हैं ठीक है नाउन है हमारे लिए uh, तो देखते हैं द नाउन ओसाका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू ओसाका सो वी कॉल ओसाका अ प्रॉपर नाउन एंड किंग आ कॉमन नाउन ठीक है king, as well as so, noun, अब किंग जो तो है वो किसी भी बादशाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है लेकिन जब हमने किंग uh, का नेम साथ मेंशन किया ओसा का तो इसका क्या मतलब है ओसाका किंग जो था वो एक ही था और उसके बारे में जो भी उसकी स्पेशलिटी है उसके बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर ओसाका जो है वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन है और जो किंग है वो हमारे लिए कॉमन नाउन है यानी कॉमन जो किसी के लिए भी यूज़ आम तौर पर यूज़ हो सके लेकिन प्रॉपर जो जो किसी चीज़ के बारे में फ़िक्स है जो किसी चीज़ के बारे में है किसी पर्सन के बारे में है कि ये स्पेशलिटी है कि ये वो वही पर्सन जो है ये उसकी खासियत है इसलिए उसको हम जो है वो ख़ास तौर पर प्रॉपरली उस का नाम जो है वो लेकर बात करते हैं uh, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं uh, लेकिन उसको हम रीड आउट नहीं करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम कम टाइम में ज्यादा लर्न uh, करने की कोशिश करेंगे द वर्ड गर्ल इज कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ कॉमन टू ऑल गर्ल्स वाइट सीटा इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल कॉमन नाउन एक्चुअली क्या होता है कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर अदर ऑफ द सेम क्लास आर काइंड फॉर एग्जाम्पल बॉय गर्ल अब जितने भी बॉय हैं उनको हम बॉय कहते हैं ठीक है जितनी भी गर्ल्स हैं उनको गर्ल्स कहा जाता है वो अपनी क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसलिए उनको कॉमन नाउन uh, के नाम से हम याद करते हैं ठीक है उसको uh, पढ़ते हैं रीड आउट करते हैं प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन आर प्लेस प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास जगह या चीज़ या पर्सन का नाम होता है और ये तो हो गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ठीक है आगे एग्जाम्पल्स हैं आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत मिल जाएंगे ये भी एग्जाम्पल है तो आप अगर इसको रीड आउट करना चाहें क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और मैं चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ थोड़ी सी टाइम में आप शॉर्टेज और टाइम में आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें कॉमन नाउन इंक्लूड वट आर कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन एंड अप्सट्रेक्ट नाउन आगे हम देखेंगे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कलेक्टिव वर्ड कलेक्टिव एंड अपसट्रेक्ट नाउन में भी आते हैं ठीक है ओके जी अब नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन क्या होता है इट इज द नेम ऑफ अ नंबर आर कलेक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल एज यानी अगर ये है क्राउड पीपल ऑफ क्राउड ठीक है सॉरी क्राउड ऑफ पीपल है लेकिन हम इनको पीपल कहने की जगह अगर हम कलेक्टिवली इनको क्राउड कहेंगे ठीक है या फिर हम कुछ भी ये देखें क्राउड मॉब टीम फॉक हर्ड आर्मी फ्लीट जूरी फैमिली नेशन ये सारी चीजें ठीक है ये आती है कलेक्टिव नाउन में जो अपनी पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अ कलेक्शन ऑफ शिप्स आर शिप्स आर वसल्स फिर है एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल एंड सोन जो कलेक्टिवली अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करें हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं अब है अब्सट्रैक्ट नाउन अब्सट्रैक्ट नाउन एक्चुअली अबाउट टू द क्वालिटी आर क्वालिटी वो अच्छी है या बुरी है उसके बारे में है यानी जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं अब्सट्रैक्ट नाउन अब इनका कोई वजूद नहीं होता लेकिन वो बोले जाते हैं तो इनको हम अब्सट्रैक्ट नाउन कहा जाता है अब्सट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन आर स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग एज क्वालिटी गुडनेस काइंडनेस वाइटनेस डार्कनेस हार्डनेस एंड ब्राइटनेस ऑनेस्ट विजडम ब्रेवरी अब इन सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं है लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है ठीक है ये ये एक्शन एक्चुअली ये है किसी पर्सन के बारे में उसके बिहेवियर के बारे में उसके एक्शन के बारे में कि वो किस तरह का बिहेवियर रखता है किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है एक्शन लाफ्टर थेफ मूवमेंट जजमेंट हैटर्ड स्टेट चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ स्लेवरि डेथ पॉवर्टी अब सट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो क्वालिटी के बारे में होता है ठीक है एक्शन के बारे में होता है एक्शन जो है वो इस वक्त उसने क्या किया स्टेट के बारे में होता है कि लाइफ ऑफ स्टेट क्या है या इस वक्त उसकी सिचुएशन जो है किसी की बयान करने के लिए हम बताते हैं कि वो अभी बच्चा है अभी उस उसका बचपन है या फिर वो अभी वो यूथ में है दिस एंड दैट ये सारी जो है वो अब नाउन में आती है ठीक है जो ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स यानी ये सारे वर्ड्स क्वालिटी या एक्शन आर स्टेट जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें ये वो सारे उससे रिलेटेड होते हैं इनको हम कहते हैं अब नाउन ओके फिर है उन आर फॉर्म्ड अब्सट्रेक्ट नाउन अब बनता कैसे है फ्राम एडजैक्टिव एज काइंडस फ्राम काइंड ऑनस्टी फ्राम ओनेस्ट ठीक है अब ये अब्रैक्ट नाउन जो है एक्चुअली ये वर्ब uh, से बनते हैं ठीक है काइंड किसी एबजेक्टिव से बनते हैं तारीफी जो अलफाज हैं प्रेजिंग वर्ड होते हैं उनसे बनते हैं मोस्ट्रेक्ट नाउन आर फॉर्म्ड दस ठीक है फ्रॉम वर्ब्स एज वर्ब से भी बनते हैं एडजेक्टिव से भी बनते हैं और कॉमन नाम से भी बनते हैं जैसे वर्ब्स